हेलो हेलो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, क्या हो रहा है? फुर्सत है, फुर्सत ही फुर्सत है। तो बस थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ और बहुत सारी मेल्स भी थी और कमेंट्स भी थी कि आप जो एक्टर्स लोग हैं, आप लोगों का वार्डरोब कैसा होता है। तो ये मेरा वार्डरोब है जहाँ मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। ये सारे मेरे जिम के कपड़े हैं, या आप ये कह लेंगे स्पोर्ट्स वेयर जिसे कहते हैं। ये सारे वो हैं, कुछ पैंट्स यहाँ लगी हुई हैं, और कुछ ऐसी पैंट्स होती हैं जो मुझे या तो ढीली हो जाती हैं या टाइट हो जाती हैं, तो मैं फेंकता नहीं हूँ क्योंकि वो कुछ मैंने टारगेट के लिए रखी होती हैं। लेकिन इससे पहले कि लोग कमेंट करें या आगे वीडियो देखें, मेरा यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी हिट करें। और इससे पहले कि आप इस बात पे हिट करें कि मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं और इतने सारे कपड़ों का जो है वो आप क्या करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये अब्दुल्ला की तरह ज़रा कैमरा दीजिएगा। ये जहाँ अब्दुल्ला इस वक्त मौजूद है, ये सारे वो कपड़े हैं जो डिज़ाइनर्स से आते हैं और ये फ्री में आते हैं और फ्री में चले जाते हैं। ये मैं सिर्फ पहनता हूँ और ये सब वापस हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ सूट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ये मेरा सारा ये सेक्शन है सूट्स का। जैकेट्स हैं, सूट्स हैं, ये कोट हैं सारे। कुछ कलेक्शन है बीच में और कुछ ऐसे हैं जो कि मैं अपना क्या कहते हैं पहनता हूँ, और मुझे सूट्स पहनने का वैसे बड़ा शौक है, लेकिन घर में मैं इस हालत में होता हूँ। ये देख, ये मेरी घर की हालत है, घर में मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ। कई दफ़ा मुझे मेरी बीवी से डांट भी पड़ती है कि खुदा के वास्ते आप अगर घर में होते हैं तो थोड़ा ज़रा फ्रेश हो जाया करें, थोड़ा ज़रा अपना हुलिया दुरुस्त कर लिया करें। लेकिन चूंकि नॉर्मली मैं इतना तैयार रहता हूँ, तो इस वजह से मुझे जो है वो घर में बिल्कुल कैजुअल रहना अच्छा लगता है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग जो ये सोचते होंगे कि मैं मेरे पास यही कपड़े रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक रूटीन है हमेशा से, हर 3 महीने के बाद जब बहुत ज़्यादा कपड़े आ रहे होते हैं, बिकॉज़ कई दफ़ा ये होता है कि शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो हर 3 महीने के बाद एक पूरा बल्क निकलता है जिसमें बहुत सारी शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं, ट्राउजर्स होती हैं, जैकेट्स होती हैं, सूट्स होते हैं, शलवार कमीज होते हैं बहुत सारे। सो उधर खड़े हो ना सर, सो ये देखें कि आपने देखा होगा, ये मैंने एक ही दफ़ा पहना है ज़िंदगी में, और उसके बाद ये अब्दुल्ला भाई ने फिटिंग करा के अब्दुल्ला भाई ने पहन लिया। हाँ, अब्दुल्ला तो बहुत आपके कपड़े यूटिलाइज करते हैं। हाँ, सो इस तरह से मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कपड़े ताड़े हुए होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, कि अपना क्या कहते हैं ये कपड़े जो हैं ये आप हमें देंगे और ये रहा मैं, क्योंकि फरमान साहब उड़ गए हैं तो इस वजह से ये कैमरा मैंने खुद संभाल लिया है। और यहाँ मेरे पास बहुत सारे चश्मे हैं जिसमें कुछ नज़र के भी हैं और ये कुछ धूप वाले भी हैं, और ये कलेक्शन है। ऑब्वियसली इसको मैं वो नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। यहाँ कुछ रिंग्स वगैरह हैं मेरे पास थोड़ी सी, और मुझसे पूछ रहे थे सारे कि आप कहाँ रखते हैं अपना सारा सामान, तो ये थोड़ा सा मेरा जेवर है जो कि मैं अक्सर आपको पहने हुए नज़र आता हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। ये कुछ मेरी पेंस हैं, मेरे जूते ये रखे हुए हैं, कुछ जॉगर्स हैं, स्नीकर्स हैं, वो सारे जो हैं यहाँ रखे हुए हैं, कुछ लॉन्ग बूट्स जो हैं वो नीचे रखे हुए हैं। आज ये इनकी सबकी सफाई होनी है, ये इसी वजह से यहाँ पे मौजूद हैं। फिर ये कुछ मेरी ब्राउन शूज़ की कलेक्शन है सारी जो कि यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे कुछ और ऐसे जूते स्वेट वगैरह के वो अंदर रखता हूँ। ये कुछ ब्लैक शूज़ हैं जो कि ये मैंने ऐसे रखे होते हैं, और ये थोड़ा सा मैं चीज़ें ज़रा संभाल के रखता हूँ ताकि ख़राब ना हो जल्दी। और यहाँ कुछ शर्ट्स हैं, अभी ये मेरी सारी हार्ले की कलेक्शन है। कुछ निकाल के दिखाएं हमें, इंटरेस्टिंग जो है।
जो आपकी मोस्ट फेवरेट जैकेट्स हैं वो दिखाएं। मुझे अपनी हार्ले की जैकेट में मुझे अपनी ये वाली जैकेट बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये वाकई इस पर मैंने बहुत सारे स्टिकर्स भी लगाए हुए हैं, स्पेशली मेरा जो ये है पाकिस्तान का झंडा, सो ये मुझे बड़ी पसंद है जैकेट। और ये गर्मियों के लिए होती है, ये अगर आप देखें सो इसके अंदर ये सारा ये हवा क्रॉस होती है इसके अंदर से, सो ये इसलिए गर्मियों में जब मुझे बाइक चलानी होती है तो ये मैं यूज़ करता हूँ, और सर्दियों में ये इसके नीचे ये पहना जाता है, ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है, सो उसके बाद फिर आपको हवा नहीं लगती। लेदर की कुछ जैकेट्स हैं मेरे पास हार्ले की, अभी ये बनवाई हैं, ये एक्चुअली मेरा जो साला है अहमद, ये उसने मुझे बना के भेजी थी, और ये बड़ी ज़बरदस्त है, अभी इनको स्टिकर करूँगा, चीज़ें वीज़ें करवाऊँगा इनके साथ ज़रा। अच्छा, और ये मेरा एक जैकेट है, तकरीबन इसको कोई 11-12 साल हो गए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत पसंद होती हैं और वो आप नहीं शेयर करते, बेशक जितने मर्जी लोग आपकी जान को आते रहें। सो ये एक मेरे पास 3 या 4 ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैंने उनको संभाल के रखा हुआ है। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज जो मुझे बहुत पसंद है, वरना तो हर साल ही जैकेट जो हैं वो उनका फैशन भी चेंज होता है, वो भी चेंज होती रहती हैं। कुछ शलवार कमीज़ें हैं जो मैं बहुत कम अपना क्या कहते हैं अपनी बनवाता हूँ, उसमें यहाँ पे कुछ रखी हुई हैं। ये जैकेट्स हैं, ओवरकोट्स हैं, कुछ ओवरकोट बाहर जाते हैं तो ज़रूरत पड़ती है, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाकी यहाँ पे बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं, और ये मेरा बड़ा फेवरेट लॉकेट है जी, ये हार्ले का मेरा लॉकेट है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और इस तरह की कुछ चेन्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। उसके नीचे साइकिलिंग का मेरा ये पूरा सामान रखा हुआ है, ये जो साइकिलिंग करता हूँ मैं ये सारा उसका सामान है। चेन्स में दिखाएं कुछ इंटरेस्टिंग चेन। एक बड़ी मज़े की चीज़ है मेरे पास, ये मैंने टर्की से लिया था और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था हाथ में पहनने के लिए ऐसे, और ये कोई पत्थर होता है रुद्राक्ष जिसे बोलते हैं, ये वो है, इससे ज़रा कहते हैं गुस्सा ज़रा कम रहता है। और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये मैंने टर्की से ही बनवाया था जिस पे सना लिखा हुआ है, हैं और क्या लिखा हुआ है ना, और ये कुछ हार्ले के मेरे बैंड्स हैं, कुछ ये टर्किश बैंड्स हैं, कुछ ये चेन्स हैं गले में पहनने वाली, कमर में पहनने वाली, ये हाथों के हैं कुछ, यहाँ पे भी इसी तरह के, ये देखें ये मेरे बैंड्स यहाँ रखे हुए हैं बहुत सारे, ये भी थोड़े दिनों के बाद ख़राब हो जाते हैं, सो कुछ चीज़ें ज़रा मैं कम इस्तेमाल कर पाता हूँ। ये मेरी हार्ले की रिंग है, आई लव दिस रिंग, हाँ आई नो। ये मेरा बड़ा मज़े का बॉक्स है जी, वो कुछ लोग तो बहुत शिकायत करते हैं मैं बुंदे क्यों पहनता हूँ, इवन सना को भी नहीं पसंद। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मुझे पसंद है, और हम अपना क्या कहते हैं इस चीज़ को मानते हैं कि हर इंसान की अपनी एक राय होती है, तो मेरी एक राय है। और ये देखें, ये बहुत सारे इस तरह की इसमें आपको पेंस मिलेंगी, मेरे बुंदे मिलेंगे, इसके नीचे भी कुछ ना कुछ होगा वैसे, कुछ पेंस, ओह मेरे हार्ले के स्टिकर्स रखे हैं मेरे नीचे। Too much Harley. ये तो खैर, ये देखें ये सारे ये गाड़ियों पे लगने वाले, जैकेट्स पे लगने वाले, मजाक मत उड़ाना, मेरे पास तौलिया भी हार लेगा, देखा है मैंने। ये देखो, सोचा था कि PSL के फाइनल में जाएंगे तो ये टी शर्ट पहनेंगे, ये बन के आई, इंशाल्लाह होगा PSL का फाइनल, और इंशाल्लाह हालात की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन ये मैंने कुछ चश्मे निकाले हुए थे जो बहुत दिनों से नहीं पहने। मेरी ये इधर जो हैं वो सारे ये चश्मे भरे हुए हैं, कुछ के कवर्स गुम हो जाते हैं, कुछ के चश्मे गुम हो जाते हैं, सो बस यही वाला सिलसिला चलता रहता है। कुछ चश्मे गिफ्ट भी होते हैं मुझे, कुछ चश्मे मैं छीन भी लेता हूँ, कुछ चश्मे मुझसे छीन लिए जाते हैं। ये होता रहता है, ये चलता रहता है यहाँ, कोई ना कोई आया होता है यहाँ पे। हाँ, ये कैप्स रखी हुई है मेरी सारी, सो
बहुत सारी कैप्स हैं, कुछ ख़राब हो रही हैं तो उनको अभी ये इसीलिए वार्डरोब में घुसा हुआ हूँ कि ये सारा कुछ अभी सही करना है। सो यहाँ मेरे कुछ सूट्स रखे हुए हैं, कुछ मेरे बड़े पसंदीदा बीच में सूट्स हैं, कोई निकाल के दिखाएं। ओ यार, याद मुझे बशर में देखा होगा पहने हुए। ओह ये बशर मूवी वाला ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। और ये अहमद बाम से बनवाया था तो उसको मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है। सो ये जी मेरा वार्डरोब है। जो लोग कह रहे थे कि जी हमने आपका वार्डरोब देखना है, सो देख लिया होगा। ये पीछे टाइयां भी लगी हुई हैं मेरे पास, यहाँ पे बहुत सारी टाइज रखी हुई हैं। अभी तो आधी रह गई हैं सिर्फ। ये आए थे मेरे जूते पहने हुए। कोशिश करता हूँ कि जरा मॉडेस्टी के साथ रहूँ, ज़्यादा पागल नहीं होता, बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करता, ज़रूरत के तहत शॉपिंग करता हूँ। तो जिस तरह के प्लेस मेरे चल रहे होते हैं कुछ तो आई एम श्योर आपकी कलेक्शन जीन्स में तो डेफिनेटली, कुछ जैकेट्स में बहुत पुरानी है। ये तो मेरी डेनिम सारी यहाँ मैंने रखी हुई है और इसमें तो बहुत पुरानी पुरानी डेनिम्स है मेरी, को 12 15 साल पुरानी डेनिम्स भी मेरे पास रखी हैं। और ये पीछे लग भी रहा है कि ओवर द इयर्स आपने कलेक्ट किए हैं कुछ जैकेट्स है। हाँ, तो यही होता है ना, दुनिया भर में कुछ जैकेट्स होती हैं जो आप यू नो आप जरूरी थोड़ी है कि साल में 10 चीजें लें, आप साल में कोई एक चीज लें, दो चीज लें, लेकिन वो ऐसी लें कि वो ता हयात जो है वो आपको याद रहेगा, यार ये मैंने वहाँ से लिया था, ये चीज़ है। जैसे तुम्हें याद होगा मैंने ज़िद की तुमसे और मैं हम शॉपिंग कर रहे थे हैरिट्स में और वहाँ से मैंने एक जूता ख़रीदा था और मैंने कहा था कि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा, बेशक चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। सो वहाँ से मैंने एक जूता ख़रीदा था, वो मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। 8 साल हो गए इस बात को। जैसे मेरा एक जूता है जो मुझे बहुत पसंद है, अब मैं वो दे भी नहीं सकता किसी को। सो ये अब ये देखें, ये उस ज़माने में मुझे बहुत महंगा मिला था ये, लेकिन ये देखें ये सारे ये इसके ये उड़ गए। सो मेरा ये अरमानी का शूज़ था, पर ये देखें सब ये बेड़ा गर्क हो जाता है। ये मैंने बहुत कोशिश की कि इसको रिपेयर करवा लूँ, लेकिन ये ऐसी चीज है कि ऑब्वियसली अब फरमान बड़ा होगा तो वो देखेगा कि हाँ ये पहना जा सकता है या नहीं पहना जा सकता। लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस तरह की कुछ जो मेरी कलेक्शन है बड़े ब्रांड्स की वो मैं थोड़ी सिक्योर करने की कोशिश करूँगा और मैं संभालता भी हूँ। अभी जो आयत मेरे ख्याल से मेरा जूता पहन के फिर रही है वो बड़ी मेहनत से मैंने लिया है और आयत खुदा के लिए बेटा ये अब्दुल्ला ये उसके डब्बे में डाल यार, ये सो मुझे बड़ा पसंद था ये तो मैंने बस पकड़ लिया ये। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ले लेता हूँ मैं, छोड़ता नहीं हूँ चाहे दुनिया भर के उधर हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मुझे ऐसा लगता है और ज़रूरी क्योंकि शोबिज़ है यार। कुछ लोगों को बुरी लग रही होगी मेरी बात, लेकिन चूँकि शोबिज़ है सो यही दिखावा होता है थोड़ा बहुत। पर्सनल लाइफ में हमें कितने दिन हो गए घर पे? हम 15th के बाद हम घर पे ही हैं, है ना? मैं तो नहीं ना कोई शॉपिंग की है मैंने, ना मैं कोई कपड़े पहन रहा हूँ, मैं वही तीन चार टी शर्ट्स हैं जो मैं रिपीट किए जा रहा हूँ, वही दो तीन चड्डियाँ मेरी जो मैं ये सॉरी शॉर्ट्स, चड्डियों से पता नहीं कहाँ दिमाग चला जाएगा। तो यही शॉर्ट्स हैं, यही धुलती हैं, यही पहन लेता हूँ, यही धुलती हैं, यही पहन लेता हूँ। तो ऐसा हूँ मैं नॉर्मल लाइफ में। अगर मैं शोबिज़ में ना होता तो शायद ये कमरा ना होता, ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। मुझे पर्सनली अपने लिए कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं है चीज़ें पहनने का, था एक ज़माने में आया था सो वो सभी को होता है, लेकिन अब सिर्फ ज़रूरत के तहत कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं लेके चलता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने बहुत अरसे से ख़रीदी हुई हैं सो वो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। बट आप लोगों से इल्तमास ही है
कि खामखा जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना किया करें यार, खुश हुआ करें। और ये मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से ये सब कुछ किया है। और मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजरा हूँ। मैं कई दफ़ा ये अपनी कहानी बता चुका हूँ कि मेरे पास एक जूता होता था जिसके अंदर सुराख हो गया था। मैं उस दौर से भी गुजरा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी मेहनत है, ये अपना काम है, अल्लाह ताला का शुक्र है, परवरदिगार का। सो थैंक यू सो मच। और जो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में लाइक की है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करूंगा कोई और रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूं। बट आप लोग ये बताएंगे कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या बताऊं, क्या जानना चाहते हैं। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, पढ़ता रहता हूँ, जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों की दुआओं की भी बहुत ज़रूरत होती है। और आई होप आपको मेरा ये रूम अच्छा लगा होगा। थैंक यू।